बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई अब्दुल फत्ताह अब्बासी। माशाल्लाह तबारकल्ला, आज हम लोग आए थे अपने आम वाले बाग पे। वहाँ पे दो खजूर के पौधे लगे हुए थे, बहुत पुराने, लेकिन छांव और शेड की वजह से वो बड़े नहीं हो रहे थे। तो आज हमने उनको निकालना शुरू किया और निकाल लिया है, और दिखाता हूँ मैं कैसे उनको आज शिफ्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं दिखाता हूँ, ये छांव में थे, अब इस समय उसको निकाल रहे हैं। छांव की वजह से यहाँ पे शेड आ रहा था और उस वजह से ये बड़ी नहीं हुई थी। अल्लाह की मेहरबानी से ये इंशाल्लाह कुछ सालों में बड़ा हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे ये पौधे रखने, वहाँ पे वो जगह चॉइस करने इंशाल्लाह। ये देखिए इसकी सफाई, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। ये आस्ता आस्ता हम पहुंच जाएंगे। ये सही रह गया, पहले तो हमने नहीं किया, बोला ऐसा किया। ठीक है, इंशाल्लाह ये 3-4 मिनट में निकल जाएगी। इसको हम लोग पहले तो किसी प्लास्टिक से बांधेंगे, उसके बाद ये देखेंगे। देखें ये बिल्कुल सफाई करके पिल्लों में सेट कर दिया है। देखें जो भी पौधा, अब इसको आस्ता आस्ता रंबे की मदद से निकालते जाएंगे। देखें आस्ता आस्ता ये निकाल लिया हमने, अब इसके रूप एक बार दोस्त अब इसको बांध लेंगे किसी भी टापर से, बांध लें पचके से, बांध लें किसी बोरी से, बांध लें ऐसे बांध लेते हैं ताकि इसके अंदर मिट्टी के पौधा टूट ना जाए। इस वजह से भी इस तरह क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल काम, लेकिन इस तरह इसको बांध लें, ये फिर आराम से आप उठा लोगे। जिस तरह इसको हम लोगों ने बांधा हुआ है, क्योंकि ये बहुत वजनी है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसको पानी आता जाएगा। यहाँ पे रख लीजिए, ये भी हम कटवा देंगे छोटा। देखें दूसरा पता लेके आ रहे हैं, इस देखिए आगे ले जा। अरे अरे तालब या तो कथे जा क्यों खड़ी जो। अब इसके निकट से बड़ा निकलो डाटू खड़िया निकटू पसंद इसे दो के पूछ के खड़िया दोस्त हैं सीधो के बड़ा ठपासे ना सीधो के लोडो ना चेस ना टक्की के आराम आराम से इसमें नीचे से टूटी बंद मत करो मत कर पड़े मत करो मत करो मत करो मत करो ये की लाती दवा सीधी में था खा दो थोड़ा सा ये मुश्किल काम है सीधी सीधी आगे हाँ मिट जाओ कोड़ा खड़ा कोड़ा खड़े हो बोला। ये देखे इसको हमने सीधा कर लिया। हकीकत ये पौधे जो होते हैं ये थोड़ा सा मौसम के हिसाब से शिफ्ट करने पड़ते हैं, और अभी टाइम भी है, मौसम भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको काट लेंगे सही कभी से जो अभी इसको चलो वो लोग सही सो लोग पानी छोटो चाहिए।
इसको एक तो मज़ा पानी आएगा इसके साथ ही, ये वाटर कोर्स का पानी इसको मिलता रहेगा। थोड़ा ऊपर तक हथ हथ आस्ते आस्ते आराम से आते चलो उठाई गए अभी इस तरह ये बंद कर लेंगे इसको, चारों तरफ से मिट्टी आ जाएगी, पानी भी हम दे देंगे क्योंकि अभी वाटर कोर्स खोलेगा तो ऑटोमेटिक इसमें सीपे जाएगा। ये तीन चार पौधे लेके आए, इतने रखे थे, इतने साइड के रखे थे, टेके जाए इसके साथ। ये भी लेके आए बराबर कर चक्की मथिया चक्की बाड़ी ने मिट्टी नहीं पता बाहरी बीज नहीं पता। हाँ अंदर कैसे थोड़ा सा अभी ये देख, अभी ये छोटे पौधे निकल चुके हैं जामन के, वो भी स्विच कर लेंगे। तो पानी खरीद, देखिए वाटर कोर्स खुल गया है, पानी आ रहा है, थोड़ी देर बाद पानी इसी के सीपेज में ये अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, और इसको रोशनी भी लगेगी सूरज की। मुंह मिट कर मुंह सफा मुंह इतना करो इतना थोड़ा करो सफाई करना जरूरी है। तकरीबन काम हो चुका है, पांच पौधे इसके भी निकाल लिए हम लोगों ने जामुन के लिए, लेकिन दोस्तों ये काम हो चुका है, जामुन भी हम लगा लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, वो खजूर कैट्स का पौधा आ चुका है, आप देखें इंशाल्लाह। तो भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह आप सबको खुश रखेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है काम हो जाता है, अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं और कोई वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा। और भाई के लिए दुआओं की अपील, अल्लाह करेगा आप सबको खुश और खुर्रम, आपके लिए उसको खुशहाली फरमाएगा। भाई के लिए कोई सवाल जवाब हो तो भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अल्लाह आपको सबको खुश रखेगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में।